तो वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी प्रचार के आखिरी दिन जोर शोर से बड़ौदा में डटे हैं। आज उनके 10 से ज्यादा जगहों पर चुनाव प्रचार करने के कार्यक्रम है। हुड्डा ने हरियाणा दिवस पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी, साथ ही ये भी दावा किया कि कांग्रेस बड़ौदा की सीट को बड़े अंतर से जीतेगी। मैं कोई जोशी हूं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कांग्रेस का प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीत रहा है। सर, 54 साल हरियाणा को बने, आज हरियाणा की स्थिति आप देखते हैं, सत्ता बहुत रही, क्या आपको लगता है कि वास्तविक लोगों ने काम पिछले 6 साल में अपनी जगह से फिसला है? 2014 में हरियाणा नंबर एक था प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में, अब अपने स्थान से फिसल गया है। कानून व्यवस्था है, लेकिन जो हरियाणा के आम जनमानस ने मेहनत करी है उसका ही कारण है कि आज हरियाणा अपनी अलग पहचान बनाई है। गरीब आदमियों को एक प्लॉट तक नहीं दे सके, व्यापारी परेशान है, वो कह रहा है कि मेरा मुनाफा तो गया दूर, मैं तो अपनी पूंजी खा रहा हूँ। सरकारी कर्मचारी सड़कों पे है, चाहे वो ग्रामीण का है चाहे शहरी है, हर वर्ग इस सरकार।